किसानों के सारे भ्रम टूट गए। 70 साल से उनको बेवकूफ बनाया गया, उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो मेरी प्रार्थना है, ये सारी बात कहने का मकसद ये था कि जब भी कोई तानाशाह, जब भी कोई अहंकारी नेता आपको आदेश दे, तो आप हुक्म के गुलाम मत बने, अपने दिमाग को इस्तेमाल करें। जरा सोचें कि आपके सामने खड़ा कौन है। क्या ये सारी जनता जब ये वोट दे के उनको सत्ता में लाती तो अकलमंद होती है, और अब जब अपने अधिकारों की बात कर रही है, अपने हकों की बात कर रही है, अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, उनकी जमीनें जो उनकी मां है उसको बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो अब वो कौन हो गए? कुछ लोगों ने कहा ये तो आतंकवादी, तो खालिस्तानी है। लानत है ऐसे लोगों पर, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब गिरावट की कोई सीमा होती है। इतने सारे लोग वहां बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने यह लिख दिया कि और किसानों को तो प्रॉब्लम नहीं है, पंजाब के किसानों की प्रॉब्लम क्यों है? अरे भाई, जब सर देने थे, जब फांसी चढ़ना था, जब अंग्रेजों के साथ लड़ना था, तब भी यही पंजाबी, यही सिख लोग थे। तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये पंजाबी क्यों फांसी चढ़ रहे हैं, तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये पंजाबी क्यों अपना सर कलम करवा रहे हैं, क्यों फांसी चढ़ रहे हैं, क्यों काले पानी की सजाएं भुगत रहे हैं, तब भी यही लोग थे। मतलब सबसे ज्यादा कुर्बानियां तब भी नहीं की थी। पाकिस्तान चाइना से जंग होती है तब भी यही लोग लड़ते हैं, तभी ही सबसे ज्यादा कुर्बानियां देते हैं। तब तो आप ये बात नहीं कहते हो कि इनको क्या पड़ी हुई है, पूछ दबाओ पीछे और दुबक जाओ। अब लोग ये बात करते हैं, उनको शर्म नहीं है। लानत ऐसे लोगों पर जो इस तरह की गंदी सियासत करके इस तरह की बकवास करते हैं सोशल मीडिया में कि इन किसानों को बड़ी दिक्कत है, इनको क्या प्रॉब्लम है, दूसरे किसानों को नहीं है। आप जरा दूसरे किसानों का हाल तो देखिए, आप यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में किसानों का हाल तो देखिए। तो अगर इनके गुरुओं में एक परिपाटी, इनके जीन्स में, इनके डीएनए में बहादुरी या दिलेरी है, वो पुलिस वाले उन पर लाठियां चला रहे हैं और ये उनको लंगर खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो ना सरकार को शर्म है, ना उस पुलिस बल को शर्म है कि अगर सरकार ने उनको भेजा था तो उनके खाने का इंतजाम तो कर देते कि तुमने खूब लाठियां चलाई, खूब तुमने वाटर कैनन चलाई, खूब तुमने बहादुरी का काम किया। मैं समझता हूं कि हमारे हर जवान को शर्म से अपना सर झुका लेना चाहिए कि तुम अपने अन्नदाताओं पर, तुम अपने मालिकों पर ये अत्याचार करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? विदेशों में जब उनकी आर्मी को, उनकी पुलिस को ये लगा कि ये लोग सही है, जनता सही है, तो वहीं खड़े खड़े वो जनता के साथ हो गए। हमको क्या हो जाता है? जब अंग्रेज थे तब भी तो हमारे ही लोगों ने उनकी फौज ज्वाइन की, उनकी पुलिस ज्वाइन की, और हमारे लोगों को बूटों से रौंदा, हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे देशभक्तों को रौंदा, मार डाला, लाजपत राय जी को। हमारे ही लोग थे, उन्होंने हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया था, और अब ये भूरे और काले अंग्रेज उनसे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, तो इनको पहचानो भाई। मैं हर पुलिसकर्मी से प्रार्थना करता हूं, हर ऑफिसर से प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालो। आईएएस ऑफिसर से प्रार्थना करता हूं जिनको जिम्मेदारी दी जाती है, जरा सोचिए, अगर कल बात की जा रही है फौज को बुलाने की, तो फौज के फौजियों को, अफसरों को सोचना चाहिए कि यार गलत कौन है और सही कौन है। अगर एक आदमी कोई भी हो, कोई नेता हो, हमारे यहां तो एक चपरासी के लिए तो क्वालिफिकेशन चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का, इसीलिए हम आज इस कगार पे खड़े हुए हैं, तबाही के दाने पे खड़े हुए हैं। तो आप कैसे मानेंगे कि उनका फैसला सही है? और ये जो इतने लोग खड़े हुए हैं, अब तो यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से सारे किसान आ रहे हैं, और मैं समझता हूं कि अब किसी भी किसान को बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि किसानों के साथ हमेशा से अन्याय हुआ, मजदूरों के साथ अन्याय हुआ, गांव के साथ अन्याय हुआ है। अब हर गांव के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को उठना चाहिए, और हमारे देश के हर सज्जन को, हर देशवासी को, हर नागरिक को इनके साथ खड़ना चाहिए। मैं उन लोगों के जज्बों को सल्यूट करता हूं जो भाई कंबल लेके आ गए, कंबल बांटने लग गए, एक बच्ची चाय लेके आ गई इतना ही है कि वो बेचारी चाय बना सकती थी तो चाय लेके आ गई उनके लिए। ऐसे ही लोग लंगर लेके आ रहे हैं, खाना लेके आ रहे हैं किसानों के लिए। इन्होंने हमको हमेशा खिलाया है,
हमारा पेट भरा है, हमारा चूल्हा जलाया है, चाहे हम कोई भी हों, आज हमारी जिम्मेदारी है। इन्होंने हमेशा हमसे कभी कुछ मांगा नहीं है, अब भी नहीं मांग रहे। कोरोना के लिए हमको डरा डरा के अंदर घुसेड़ा हुआ है, मास्क लगाए हुए हैं, वैक्सीन की तैयारियां हो रही हैं, ये उसको डिफाई करते हुए लाखों की तादाद में ठंड में बैठे हुए हैं, इन पे गंदे पानी की वो जो गन है वो बौछारें डाली जाती हैं, इनको लाठी से मारा जाता है, लेकिन ये वहां बैठे हुए हैं। हमारे देश के सभी लोगों को अपने बचाव के लिए, अपने देश के बचाव के लिए उनके साथ खड़े होना चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ये फैसला है सबूत देने का, हम जिंदा हैं या मर गए। अगर जिंदा हो और वास्तव में देशभक्त हो, मैं सभी से कहता हूं, तो आपको तकलीफ होनी चाहिए कि हो क्या रहा है, हमारे नेताओं की अकल को क्या हो गया है, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं भाई आज तक कभी ऐसा हुआ है कि हमारे देश के लोगों का जबरदस्ती भला किया गया हो, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं। उनको नहीं मंजूर है तो क्या, ठीक है नहीं मंजूर है तो कोई बात नहीं, इसमें प्रेस्टीज क्या, इसमें ईगो की बात क्या, अहंकार।